नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन सेज ऑल सर्फेसेज आर अज्यूम टू बी फ्रिक्शनलेस। कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ, जो हमें बताना है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ दैट मस्ट बी अप्लाइड सो दैट एम वन एंड एम टू डू नॉट मूव रिलेटिव टू एम थ्री। सो ये अपना स्नैरियो है ना। सवाल देखने में मुश्किल लगता है पर कतई मुश्किल नहीं है। इसको हम बिल्कुल बेसिक से चालू करते हैं। सो लेट्स से हम पहले मास एम वन जो है उसका एफ बी डी बनाए, तो इसका वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे फोर्स लग रहा है एम वन जी, और यहाँ पे उसको एक इस एम थ्री मास से ऊपर एक नॉर्मल मिल रहा होगा। अगर लेट्स कॉल दिस एन वन। अगर हम टेंशन की बात करें तो इस डायरेक्शन में उसके ऊपर टेंशन लग रही है, और यहाँ पे ग्राउंड फ्रेम में आपका एक सूडो फोर्स आएगा जिसको आप कहेंगे एम ए। भले एम टू का अगर हम एफ बी डी बनाएं, सो एम टू का अगर हम एफ बी डी बनाएं तो एम टू की कहानी ये चल रही होगी कि नीचे तो आपका एक एम टू जी फोर्स है और ऊपर आपका ऑल राइट, ये थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, पर टेंशन टी इधर आ रही होगी। ये एम थ्री मास जो है ये आपको यहाँ पे एक नॉर्मल फोर्स देगा, और एक यहाँ पे आपकी सूडो फोर्स की वजह से एम टू ए फोर्स आ रहा होगा। नाउ यहाँ पे एन वन और एम वन जी जो है ये आपस में एक दूसरे को एडजस्ट कर लेंगे, ये कहीं पे भी मोशन में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, सो वी डोंट नीड टू वरी अबाउट दीज टू। सिमिलरली एम टू ए और नॉर्मल है, जैसे जैसे आपका एक्सेलेरेशन बढ़ेगा एम टू ए की वैल्यू बढ़ेगी, पर ये जो आपका एन टू नॉर्मल है ये अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, सो दैट ये दोनों आपके मोशन में किसी तरह कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। जिस इक्वेशन में हमें इंटरेस्ट है वो ये है कि आपकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये जो इक्वेशन बनेगी, हम कह सकते हैं टेंशन टी विल बी इक्वल टू एम वन ए, ये आपकी इक्वेशन वन हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ वर्टिकल डायरेक्शन में देखेंगे तो हम कह सकते हैं टेंशन टी विल बी इक्वल टू एम टू जी, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। इन दोनों को अगर हम इक्वेट कर दें तो हम कह सकते हैं एम वन ए विल बी इक्वल टू एम टू जी, और इसको अगर एम वन से डिवाइड कर दें विच इम्प्लाइज अपनी इक्वेशन आ जाएगी ए विल बी इक्वल टू एम टू डिवाइडेड बाई एम वन जी। राइट, ये अपना एक्सेलेरेशन आ गया, ये थर्ड इक्वेशन बन गई, तो ये आपका एक्सेलेरेशन होएगा। नाउ इसी का अगर हम टोटल तीनों ब्लॉक्स को मिला के एक सिस्टम इसको ऐसे कंसिडर करें, तो इस सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स तो आपका एफ लगा हुआ है, तो हम यहाँ इक्वेशन लिख सकते हैं एफ नेट इज इक्वल टू एम ए के हिसाब से हम कह सकते हैं ए विल बी इक्वल टू आपका एफ नेट डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो यहाँ जो एफ नेट है उसकी वैल्यू एफ है, और जो आपका टोटल मास है उसको हम यहाँ लिख सकते हैं एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री, ये वैल्यू आ जाएगी, विच इम्प्लाइज यहाँ पे हम फोर्स को एक्सेलेरेशन के टर्म में लिख सकते हैं फोर्स विल बी इक्वल टू एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री मल्टीप्लाइड बाय ए। नाउ ए की वैल्यू अगर हम यहाँ से इंसर्ट कर दें तो आपका फाइनल आंसर एफ जो है वो हो जाएगा एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री मल्टीप्लाइड बाय एम टू डिवाइडेड बाय एम वन जी, एंड हेंस ऑप्शन नंबर वन वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम।